न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कौर। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार उत्तर प्रदेश ने देश की सियासत को झकझोर कर रख दिया। यूपी में भाजपा को तगड़ा झटका लगा, वहीं इंडिया गठबंधन को बड़ी ताकत मिली। यूपी में जो एनडीए गठबंधन 2019 में 64 सीटों पर खड़ा था, वहीं 2024 में 36 सीटों पर फिसल गया। वहीं इंडी गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस पिछले चुनाव में 6 सीट जीत सकी थी, तो उन्होंने इस बार 43 सीटों पर परचम लहराया। भाजपा के इस बेहद खराब प्रदर्शन में कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी को भी कारण माना जा रहा था। इसी क्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को भी जोड़कर देखा जा रहा है। बात जुलाई 2021 की है, करीब 6 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव 2022 होना था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तभी से फील्डिंग में जुट गया था। नए सरकारी कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले, 2022 के चुनाव तक नागपुर छोड़कर लखनऊ में प्रवास करना शुरू कर रहे थे। उन्हें लखनऊ में रहकर प्रदेश के राजनीतिक माहौल को मजबूत करने का मिशन पर लगाया गया था। वहीं भैया जी जोशी राम मंदिर निर्माण प्रोजेक्ट के केयरटेकर थे। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह ने लखनऊ प्रवास में संघ के अहम नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें 2022 के चुनाव को लेकर संघ ने फीडबैक दिए थे। इसमें सत्ता विरोधी लहर की चुनौती से निपटना, कार्यकर्ताओं से नाराजगी को दूर करना, प्रत्याशियों को लेकर जनता में रोष आदि कंट्रोल करने का संदेश था। यूपी में विधानसभा चुनाव चरण दर चरण आगे बढ़ा तो आरएसएस का ये सपोर्ट जमीन पर दिखाई देने लगा। भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का जो नुकसान हो रहा था, उसे संघ ने हर विधानसभा में 400 से 500 छोटी बड़ी बैठकें कर पाटने का काम किया। वोटरों को जागरूक करना, उन्हें बूथ तक भेजने का काम किया गया। संघ की प्रांत टोली, विभाग कार्यवाह, प्रचारक, जिलों के समन्वयक, विधानसभा के समन्वयकों से सीधा संवाद किया गया। इस पूरे महायोजन में भाजपा के प्रभारी राष्ट्र संगठन मंत्री गवाह रहे। इस पूरी एक्सरसाइज का फल ये हुआ कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा यूपी की सत्ता पर काबिज होकर इतिहास बना दिया। योगी ने दोबारा सत्ता संभाली। जनवरी में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से भाजपा आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दी। मोदी का चेहरा और राम मंदिर का श्रेय के साथ पन्ना प्रमुख तक फैल चुका पार्टी का संगठन देख पार्टी के नेता ये मानकर चल चुके थे कि यूपी फतेह तो तय है। भाजपा के इस कॉन्फिडेंस का आभास पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान ने भी दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदल चुका है। उन्होंने कहा कि पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में सक्षम है। जेपी नड्डा ने कहा था कि पार्टी बड़ी हो गई है और सभी को अपने कर्तव्य के साथ भूमिकाएं मिल चुकी हैं। आरएसएस एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है और हम एक राजनीतिक संगठन है। यह जरूरत का सवाल नहीं है, यह एक वैचारिक मोर्चा है। वो वैचारिक रूप से अपना काम करते हैं और हम अपने मामलों को अपने तरीके से मैनेज कर रहे हैं और राजनीतिक दलों को यही करना चाहिए। आरएसएस से दूरी का सीधा असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा था। आम तौर पर चुनाव से पहले ही संघ परिवार और भाजपा के नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। संघ से हर बार तो महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता था, वह भी नहीं मिला। पहली बार इस तरह का रुख देखने को मिला। संघ ने भी इस पर कुछ नहीं कहा और उसने अपने स्वयंसेवकों को वैचारिक कार्यक्रमों तक ही समेट दिया। भाजपा के पुराने नेताओं के अनुसार ऐसा लग रहा था चुनाव में हमें संघ परिवार की कोई जरूरत ही नहीं है। एक तरफा निर्णय लिए जा रहे थे, संघ परिवार और उसके अनुषांगिक संगठनों से पूरी तरह संवादहीनता रही। इसका सीधा असर ये हुआ कि पूरे चुनाव में आरएसएस तटस्थ हो गया। वह अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में ही रहा, उसने अपनी पूरी भूमिका समेट ली। बता दें, हर लोकसभा चुनाव से पहले आरएसएस के कार्यकर्ता हर लोकसभा क्षेत्र में दर्जनों बैठकें कर लेते थे। जनता क्या सोच रही है, प्रत्याशियों के बारे में उनका क्या ख्याल है, सांसद कितना प्रभावी है, मुद्दे कौन कौन से हैं, सत्ता विरोधी लहर कितनी है आदि का पूरा फीडबैक संघ के पास होता है। ये किसी भी राजनीतिक दल से ज़्यादा सटीक माना जाता है।
संघ से समय समय पर फीडबैक भी तमाम माध्यमों से बीजेपी नेताओं को दिया जाता रहा है। इस बार भी परिस्थितियां प्रतिकूल होने का फीडबैक था, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस पर गौर नहीं किया। लोकसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय का आयोजन 17 मई को नागपुर में किया गया। दरअसल ये संगठन में प्रशिक्षण का अंतिम चरण है। पहले इसे तृतीय वर्ष प्रशिक्षण शिविर कहा जाता था, लेकिन आरएसएस इस वर्ष से प्रशिक्षण के लिए एक परिवर्तित नामकरण और एक संशोधित पैटर्न के साथ आया है। इसमें देश भर से स्वयंसेवक जुटे, उधर भाजपा चुनाव में जुटी थी, दूसरी तरफ संघ अपने इस कार्यक्रम में व्यस्त था। देश भर से 936 शिक्षार्थियों ने इसमें भाग लिया। इसी के समापन समारोह में नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर विचार करना होगा। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं, उसके परिणाम भी आए, सरकार भी बन गई, यह सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वह क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, यह अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में हर 5 साल में होने वाली घटना है। उसके अपने नियम हैं, डायनेमिक्स के अनुसार होता है, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया है, उसके अनुसार सब होगा। क्यों, कैसे, इसमें हम लोग नहीं पढ़ते। हम लोकमत परिष्कार का अपना कर्तव्य करते रहते हैं, हर चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। बाकी क्या हुआ इस चर्चा में नहीं पढ़ते। उन्होंने कहा कि चुनाव सहमति बनाने की प्रक्रिया है, सचित संसद में किसी भी प्रश्न के दोनों पहलू सामने आए, इसलिए ऐसी व्यवस्था है। चुनाव प्रचार में जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना, तकनीकी का दुरुपयोग, असत्य प्रसारित करना ठीक नहीं है। विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए। चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर विचार करना होगा। मोहन भागवत ने कहा कि तकनीक की मदद से झूठ को पेश किया गया, ऐसे देश कैसे चलेगा। विपक्ष को विरोधी नहीं माना जाना चाहिए, वे विपक्ष हैं और एक पक्ष को उजागर कर रहे हैं, इसलिए उनकी राय भी सामने आनी चाहिए। चुनाव लड़ने की एक गरिमा होती है, उस गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि हमारे देश के सामने चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। पिछले 10 सालों में बहुत सारी सकारात्मक चीजें हुई हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम चुनौतियों से मुक्त हो गए हैं। इससे पहले 6 जून को जेपी नड्डा के घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। अमित शाह, बीएल संतोष, दत्ता जी, अरुण जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे। सरकार गठन पर आरएसएस के साथ बीजेपी के नेताओं की समन्वय बैठक, साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दिल्ली का दौरा किया था। यह नतीजों के बाद सीएम योगी का पहला दिल्ली का दौरा था और अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और जिस तरह से यूपी में आरएसएस लगातार काम करती आई है, तो इस चुनाव में मिली कम सीटों के बाद ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि आरएसएस अब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगा और योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से मजबूती के साथ सत्ता में लाने की कोशिश करेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।